दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा आदि शंकराचार्य शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले गणमान्यों को सम्मानित किया गया। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करते हुए पूज्य कांची शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज ने कहा कि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सनातन के लिए अच्छा कार्य करी है। ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, ये बहुत ही अनुकूल विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सनातन के मुख्य चार स्तंभ है परिवार, परिसर, परिक्रमा, परिपक्वता। पूज्य स्वामी ने ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाने और धार्मिक कार्यों को करते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पंडित सुखबीर शर्मा ने संगठन के बारे में कहा कि यह संगठन देश के ब्राह्मणों को संगठित और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। हम इसे क्रांति मानते हैं। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है कि देश दुनिया में रह रहे ब्राह्मण मजबूत हो। देश के कई हिस्सों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे हम किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 से निम्न लोगों को सम्मानित किया गया। आपने देखा है कि एक ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये देश भर में ब्राह्मणों के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन जितने दबे कुचले लोग हैं और जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ है ये संगठन। और जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, यानी कोई आदमी गेरुए कपड़े पहन के गड़बड़ करता है तो सारा ब्राह्मणों पर मारने लग जाते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बन जाता है, जब तक ब्राह्मण किसी को अत्याचार नहीं करता, तकलीफ नहीं देता है, उसके लिए संगठन है। देशव्यापी हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम किया है, उसकी चर्चा होगी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, और हमने 2-3 काम किए हैं समाज के लिए, जैसे हमने मैरिज पोर्टल लॉन्च किया है, ब्राह्मण चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो लोग गरीब लोग हैं उनकी हम मदद कर पाएँ नौकरी में, पेशे में और बिजनेस के मामले में, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे की मदद करें। जब एक एक जो सेक्टर है इस तरीके से काम करेगा, एक एक जाति ऐसे काम करेगी, दूसरी जातियाँ भी अपने लिए काम कर रही हैं, तो हमने भी अपने हाउ टू सेव ब्लड वो एक कार्यक्रम शुरू किया। तमाम जो अधिकारी लेवल पर लोग थे जिनको आपने बुलाया और उनको सम्मानित किया गया, उनके कार्यों को, कौन से कार्यों को देखकर सम्मानित सर? ये कुछ एजुकेशन फील्ड में थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे उनके साथ, कुछ आर्ट फील्ड से थे, उनके काम को देख के उनको ये जूरी ने, हमारी जो जूरी ने अवार्ड किया है, और ये देश के नहीं पूरे दुनिया के में इनका योगदान रहा है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद थे। आगे कुछ नहीं, प्रोग्राम बढ़ेगा, जैसे हमारी कमेटी जो हमने बनाई है, जो कोर कमेटी बनी है, वो करेंगे कि हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण बदनाम हो चुका है, जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं ब्राह्मण अपनी सीट लेता है तो उसको कहता है इसमें भी चाल है जी, गवर्नमेंट की चाल है, ब्राह्मण आगे जाते हैं, पढ़ाई वो रात भर करता है ब्राह्मण का लड़का, लेकिन इसके साथ बदनामी सिर्फ ब्राह्मणों की होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बाढ़ आती है, ये जी ब्राह्मणों की चाल है, तो ये क्यों हो रहा है, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों को एक स्केपगोट क्यों बनाया जाता है, इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी कि एक संगठन बुलाया जाए ब्राह्मणों का, और जिसमें ये सारे जो देश की स्थिति आजकल ख़राब चल रही है उसमें बिल्कुल ब्राह्मणों को ही नकार जाता है कि ब्राह्मण ही खराब है, ब्राह्मण ने किया क्या, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे थे। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।